ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਗਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਲੋਗ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟਲੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ। इधर एक ट्रेन जा रही है और उन्होंने कहा एक ट्रेन आनी भी है, तो असी काफ़ी टाइम इतने खड़े रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है एक जानी है तो एक आनी है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो फिर इंजॉय करो, असी भी इंजॉय कर रहे सन। बच्चे बहुत खुश सन जो साढ़े नाल सन, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे सन। गाइज, जी ट्रेन आई है ना, इन्नी स्पीड विच सी ना, सीरीयसली जो नाल खड़े सन, पता नहीं किस तरह खड़े सन, बहुत हद तो ज़्यादा स्पीड विच सी है। और ये सानू पंजाब दी आन बान शान मिली एग्रीकल्चरल फील्ड रस्ते विच, जिथे कि पराली, शायद पराली कहंदे ने इसनू, पराली सी ते वो लोडेड हो रही सी। ते असी हुण खंडूर साहब आए सा, ते जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया, ते ये अंगीठा साहब है खंडूर साहब। जद पुजो ते तीन चार गुरुद्वारे आंदे ने, मैं तुहानू दस्सांगी। और ये अंगीठा साहब है, ते असी उहनां दी पार्किंग विच खड़े हां, अंदर जांदे हां ते दस्सदे हां तुहानू। और इसी खंडूर साहिब अंगीठा साहिब विच म्यूजियम, असी लंगर हॉल विच आए सा। और ये व्यू है लंगर हॉल का, बड़ी घेंट जी रोड है, जिस तरह से वी आई पी रोड्स नहीं होंगे इस तरह की। कश्मीर कुछ बोलना चाहेंगी? आप भी विजिट करें यहाँ आके। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। बस ये कि गोल्डन टेंपल तो थोड़ा ही अगे है, 50 किलोमीटर होएगा खंडूर साहब। और खंडूर साहब के आस पास भी दो तीन गुरुद्वारा साहिब है। असी इधर आते होंगे सर, मैंने लगता 5-6 साल पहले आए स यात्रा, जो भी असं ट्रक पर आते हैं यात्रा, तदों असी इतने जरूर आते स खंडूर साहब। और काफ़ी टाइम बाद समॉल ट्रिप लगाई है इतने, क्योंकि थोड़ा अलग पै जाता। तो बाकी देखो, सवेरे तुहानू पूरे दर्शन कराँगे, क्योंकि इस टाइम अंधेरा है और इन्ने ईजली तुहानू दिखेगा नहीं। तो कल का जोड़ा व्लॉग है ना, इतने कॉन्टिन्यू करेंगे अशमीत नाल, पीछे बाकी वाले आ रहे हैं, लेकिन असं अगे आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। इतने ऑफ कर दे, क्योंकि अगे बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा तुहानू, असं दोनों ही दिखांगे। तो बाकी वाले वो आ रहे दिख रहे जिते, वो आ रहे सारे पिछे, तो कल इतों ही कॉन्टिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। ये असी जो आ रहे सर ना, इतने इन्ना रश सी, ये रोड इन्नी ज़्यादा चल रही थी, इन्नी ज़्यादा चल रही थी, कैफे बन रहा है, और इस रोड से इन्ना ज़्यादा रश सी कि हूँ तुहानू कोई गड्डी लभ रही है, इं लग रहा है कि इतने कदे गड्डी चली नहीं। और आंदे असी बिल्कुल इं कंजस्टिड हो के आ रहे साइड तो, जो तुम देख रहे हो। तो हम देखते हैं कुछ पैक शैक कराते हैं, रात अगर भुख लगी तो असी कि जल्दी सोना। बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं, आराम ना, इधर चलो उधर चलो, जितने मर्जी चलो, ठीक है। ये साढ़े जान कोई नहीं दिख रहा है, बस ये साढ़े ही बंदे यही दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन, मीट यू टुमारो। तो टुमारो असी एक दो जगह जाना है, अमृतसर गोल्डन टेंपल इतों ही फिर तुम्हें दसेंगे, ठीक है। बाय बाय। हेलो, सत श्री अकाल एवरीवन, विद अ न्यू मॉर्निंग। असी सारे रेडी हो चुके हैं,
गाइस तुसी अगर कोई मिस्टेक होगी ना तो वो कर लियो फॉर ग्रांट कर लियो मैं तुहानू बोर्ड दसदी रहांगी देखो बोर्ड दा बूटा भाई साहब इस टाइम इत्थे तक आई गए राती भी गए सां तुहानू पिछे दिखिया होना बट क्लैरिटी नाल नहीं दिखिया होना बोर्ड दा बूटा जड़ा ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਓਵਰਲੁੱਕ ਲਿਖੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਡੇ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ ट्रैक्टर वाला बच्चा जो मैं पीछे दसे से मेरे दादू नाल जा रहे सी उस साइड दा साडा रूम वो सामने और ये गुरुद्वारा साहिब इत्थे बैठे दे बड़ी शांत जी जगह बोर्ड दा बूटा ਕਿਹੜਾ ਚਾਚੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖਾੜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੋਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਹੋਇਆ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਸ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ 2-1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਆਏ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਗਾਈਸ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਦੇ ਦਸ਼ਮੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਾ ਖਰਾਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
फॉरनर्स भी आ रहे हैं। So guys, this is new bazaar. You can see. ये नवा बाजार है और असी बैठे हैं न्यू बाजार ते असी जाना है वो मैकडोनल्ड्स। असी वेट कर रहे हैं कजन्स का, आएंगे फिर असी जाएंगे तो देखते हैं के खाते हैं, तुहानू भी दसते हैं के खाएंगे। तो बाकी भाई कल का व्लॉग कंटिन्यू करांगे इसी दे नाल कल का दिन, ते कल का दिन ट्रैवल है मैक्सीमम। बाकी एक जगह और जाना है वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। बाकी अमृतसर का जो भी तुसीं देखना चाहते हो मेरे पुराने ब्लॉग से देख सकते हो, ते मैं अंदर का कुछ नहीं कैप्चर किया जो है बाहर का ही है। ते बाकी स्टे ट्यून। ये है जलियां वाले बाग का व्यू, इतों एंट्री होंगी है ते एग्जिट गली चो होंगी है, क्योंकि अजकल एग्जिट चेंज कर दी है। ये स्टैचू तो सब जेड़े जेड़े इधर आए दिन सब ने देखे ही है। बाकी असि इतने बैठे जाए भाई वेटिंग फॉर कजन्स आन, तो असि जाइए खाइए पीए ऐश करिए मित्र। अगे गाना भूल गया। तो नज़ारे देखो भाई, तुसी इंजॉय करो, व्लॉग देखो, दर्शन करो। ते बाकी तुहानू दसते आगे जो जो होएगा तुहाडे नाल शेयर करते जाऊंगे। मैडम आ जाओ, मैडम आ जाओ। सो गाइस, पुछ गया मैकडोनल्ड्स, जिस तरह तुम देख रहे हो पीछे सिटिंग है और असं मैकडोनल्ड्स आ चुके हैं। बाकी वाले अपना ऑर्डर कर रहे हैं, असं अपना ऑर्डर कर चुके हैं, साडा नंबर है और असं लैके बैठ गए हैं। रश नहीं है फाइनली, क्योंकि दरबार साहब बहुत ज़्यादा रश है। संडे है, संडे नाइट है, वैसे तो सारे जा ही रहे हैं वापस, तो साडा ऑर्डर भी आ गया। सो गाइस, साडा ऑर्डर आ चुका है और बस हम अभी स्टार्ट करेंगे खाना। फिर अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, असी नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी हो चुके हैं, असी जा रहे हैं दरबार साहब जिस नवे बाजार तो बस निकल ही रहे हैं। बस पूछते हैं, दर्शन कर देंगे, अखा तुम देख रहे हो नींद घट हो रही है, तो इस करके टाइम इसलिए होया 7 बजे शायद 7:30 पूछ के तुम्हें दर्शन कराते हैं, आप भी करते हैं तो बाद गई स्लिप होने वाली सी, गाइज गुइज निकल जाना सी मेरा, गुड मॉर्निंग भी हो जानी सी, अखा अगे सजी दी है पता भी। चलो मिलते हैं तुम। असी एक पिक शेयर करांगे, छोटी जी क्लिप शेयर करांगे, वो सानू अंकल मतलब कि दादू जी जिस तरह ही सन मेरे, तो वो सानू लब्भे सन, उन्हां नाल कोई असी अद्धा घंटा करांगे, वो कोई अपनी गल्लां सुना रहे सन इस तरह फैमिली के बारे में, ये बस इस तरह अपनी बेटी का बेटे का शेयर कर रहे सन, या बुजुर्ग ऑलमोस्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्हां दी मैं पिक ली सी, वो तुहाडे नाल शेयर करांगी। बड़ा अच्छा लगे इतने बैठे दूसरे असं परिक्रमा से, वो सानू मिले सन, तो मतलब बड़िया गल्ला मतलब पूरा डिटेल दसी, मेरे बेटे इधर है इधर है इधर है, बड़ा अच्छा लगे। फिर लास्ट में उन्होंने पिक ली, तो शेयर करा। मेरे दादू भी सन कुछ कुछ मतलब पर्सनैलिटीज ऐसी होंगी ना जिन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब अपना मतलब पुराने याद आते हैं कि हाँ भाई साढ़े भी दादू सन इस तरह के सन, या कुछ ओयो चीज़ सी जो बैठे गल स्टार्ट हुई है, मैंने भी लगे कि हाँ भाई साढ़े दादू भी होंगे सन, तो उन्नी है तो उन्होंने भी मैं बोलिया कि तुम साढ़े दादू भी तरह ही हो, तो फिर इस तरह ही गल बात हुई फिर चले गए। तो मिलन ना मिलन वैसे तो लगता नहीं है कि वो मिलेंगे वापस, वो तो कोइंसिडेंसली मिल गए सन, गल बात हो गई कि मौसम इन्ना घंट हो गया था ना, बारिश ठंड लगना शुरू हो गया था। मौसम देखो यार, हवा इन्नी चल रही है ना, वो देखो
पत्ते हिल रहे हैं, तुम दिख रहे होगा बहुत कैंट मौसम। पता नहीं हूँ असी जाना है 40, जिस तरह थानू पता है कि असी चेकअप करवाते हैं, पुराने ब्लॉग में भी तुम देखे ही है कि असं 40 जाते हैं, मम्मा के दादी और चेकअप है। हवा इन यार बारिश लग जा रही है, मैंने लगता बहुत यार बारिश वाले मौसम में सरोवर कितना अच्छा लगता ना, इसलिए इन्ना प्यारा लग रहा है ना इतने व्यू। असी पुज गए भाई 40, और इतने कोई काम होता नहीं है, तो मस्ती चलती है। हेलो गाइस, असी निकल गए 40 से, ऐसा 40 तो चेकअप करवाया, बारिश बड़ी सी, ब्लॉग का कैप्चर जो भी है थोड़ा थोड़ा। हूँ असी कत्थू नंगल आ गए, किसी का ब्याह अज, तो असी आए हैं अभी, और सुस्ती आई दी है वो है साड़ी कार, तो बस हूँ देखते हैं अंदर जाते हैं, तो फ्रैश फ्रुश होंगे मत्था टेकते हैं कत्थू नंगल। मैक्सीम तो साडा जो स्टॉप बनता ना कत्थू नंगल ही बनता, जाद्या मनीसी बट आद्या कत्थू नंगल स्टॉप बने, तो चलो असं करते हैं दर्शन, तो आओ। तो बारिश बहुत है तो तू मिलते हैं, बाकी ब्लॉग तो एंड में इधर ही करांगी, पूछा घर वो भी, तो ब्लॉग इधर ही एंड होगा, नेक्स्ट ब्लॉग तो मिलते हैं मी जी अनदर ब्लॉग पे, बाय गाइस। असं अंदर आए हैं तो अंदर थोड़ा रेनोवेशन चल रही है, देखो क्योंकि लास्ट टाइम असं आए थे कोई रेनोवेशन नहीं सी, इन्नी ठंड है, इन्नी ठंड, बारिश हो रही है पूरा फुल डे बारिश है अज, बहुत ठंड है, तो डेकोरेशन पता नहीं उतर रही है, लग रही है किसी का ब्याह होना, सो असी जा रहे हैं अंदर। वाहेगुरु जी। सो गाइज आज ये दोनों ब्लॉग का एंड करेंगे, तो देखते हैं किस तरह एंड कर दो दोनों, करो एंड भाई। पुनीत कौर ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट्स करो, और इसको अच्छी तरह से आप शेयर करो, पुनीत कौर चैनल है, अच्छी तरह से आप शेयर करो, मेरे कजन हैं दोनों, ये ऐसे जैसे एंड कर रहे हैं जैसे इनकी स्पीच रेडी करवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।